हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम लोग आ चुके हैं देवघर। सो ये रहा देवघर का जो लाइन है, जो मंदिर में पूजा करने के लिए यहाँ से शुरू होता है। सो ये लाइन यहाँ से आपको लगना चालू हो चुका है। तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और जा करके सब क्यू कॉम्प्लेक्स में वेट करेंगे, क्योंकि सुबह मंदिर 3 बजे खुलेगा और 3 बजे के बाद यहाँ पर पूजा चालू हो जाएगा गाइस। सो अभी वीडियो में बने रहिए गाइस, आपको सारा चीज़ इस वीडियो में दिखाता है, क्या है नहीं है, आपको कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा पूजा करने में, तो सारा चीज आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा गाइस। तो वीडियो में बने रहिए गाइस। सो ये रहा देखो लाइन गाइस, यहाँ से ये पूरा व्यवस्था किया हुआ है कि बारिश वारिश भी ना हो और लोग यहाँ पे बिना भीगे आराम से अंदर से जा सकेंगे। सो वीडियो में बने रहिए गाइस। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं क्या है नहीं है। सो ये रहा लाइन कॉम्प्लेक्स जहाँ पे जाया जाएगा लाइन लगाने के लिए। सो वीडियो में बने रहिए गाइस, पूरा सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे। सो आपको जरा सा भी यहाँ पे इतनी सा भी हेर फेर नहीं होगा। सो बाबा नगरी में आने के लिए आपको एकदम पहले आपको हृदय साफ रखना होगा। एकदम बाबा नगरी में आपका स्वागत है हृदय पूर्वक। ये रहा फर्स्ट एड किट, यहाँ पे कोई तरह का भी नुकसान हो ना हो आपको सारा चीज़ का व्यवस्था ट्रीटमेंट मिल जाएगा यहाँ पे। ये रहा देखो लाइन, यहाँ से लाइन चालू होता है गाइस, आपको इसके थ्रू लाइन में जाना होगा। ये पूरा झारखंड सरकार के द्वारा पूरा आयोजित किया जाता है देवघर जिला के सौजन्य से। यहाँ पे जितने भी सारे बाबा लोग हैं, पंडा लोग हैं, सबका यहाँ योगदान है। ये देखो सारा झारखंड पुलिस के लोग यहाँ पे आपको सेवा देने के लिए मौजूद हैं, देख रहे हो आप, एकदम रात भर एकदम फुल ड्यूटी में। ये रहा लाइन लगना चालू हो चुका है गाइस, ये रहा देख लो आप, देख लो भक्तों का एकदम कतार लगा हुआ है। सो हमारे साथ एक भैया है, भैया मतलब पंडा बाबा है, तो हम लोग भैया बोलते हैं क्योंकि हम लोग का भैया लगते हैं ये। सो अभी हम लोग इन्हीं के पास रुके हैं। सो भैया का नाम है कुमार भैया, महावीर धाम के संस्थापक के पुत्र है। ये रहा गाइस देख लो आप, यात्रा इसी को बोलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कॉम्प्लेक्स वो देख रहे हो आप, उधर है कॉम्प्लेक्स। देखो क्यों कॉम्प्लेक्स गाइस, और उसके पीछे है मंदिर, ठीक। सो आपको कल सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा अब इस वीडियो में, आप वीडियो को बने रहिए गाइस। सो ये रहा कुछ पूजा का सामग्री यहाँ पे मिलता है, पूजा का प्रसाद है मिलता है यहाँ पे गाइस। सो यहाँ पे बहुत सारा दुकान है देवघर में, क्या है नहीं है देवघर में, क्या मिलता है नहीं मिलता है, सारा चीज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा गाइस, वीडियो में बने रहिए। सो यहाँ का पेड़ा है जो कि काफी फेमस है, आपको लेके चलेंगे उस जगह पे भी जहाँ का यहाँ का पेड़ा का दुकान सबसे पुराना और कैसे बनता है, एक दिन में कितना पेड़ा बिकता है नहीं बिकता है, सारा चीज आपको इस वीडियो में दिखा देंगे गाइस। ये देखो मंदिर जाने का रास्ता गाइस, ये ओवर ब्रिज है, यहीं से आपको मंदिर जाया जाएगा। सो ये अभी हम लोग गली में घुस चुके हैं गाइस। सो पूजा एक्चुअली हम लोग कल करेंगे, सो आज आपको दिखा दे रहे हैं क्या है नहीं है। सो ये देख लो एकदम सज चुका है दुकान वकान सारा चीज। ये देखो गाइस, ये रहा क्यू कॉम्प्लेक्स का जो ऊपर से रास्ता गया है एटीएम की तरफ, ये रहा मंदिर। सो आपको मंदिर लेके चलते हैं, अभी मंदिर में दिखाते हैं क्या है। सो अभी रात हो चुका है मंदिर में। सो ये रहा दरवाजा मंदिर का, है सरदार पंडा द्वार। ये देखो मंदिर आपको दिख रहा होगा, कल वीडियो में पूरा अच्छी तरह से दिखाएंगे आपको, ठीक है। सो ये रहा देखो मंदिर। सो इसी के थ्रू आपको लाइन से जाना पड़ता है, ये बैजनाथ धाम का जो गेट है देख रहे हो गाइस आप। ये देखो पेड़ा दुकान, ये दुकान सारा सब लगा हुआ है अभी भी। सो एक्चुअली सावन में जो देवघर का रौनक होता है ना गाइस, जबरदस्त होता है। सो आपको बता नहीं सकते यहाँ पे कितना भीड़ होता है, अनकाउंटेबल भीड़ होता है, यूपी बिहार झारखंड जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। सो आपको लेके चलते हैं मेन दरवाजे की ओर। ये रहा हमारा महावीर पेड़ा भंडार सिंह दरवाजा के सामने। सो ये हमारे बाबा का भी यहीं पे घर है, आश्रम है महावीर धाम। सो महावीर पंडा धाम है ये, देख लो गाइस। सो ये रहा सबसे पुराना दुकान यहाँ पे, महावीर पेड़ा भंडार, देख लो पेड़ा का क्वालिटी। सो अभी पेड़ा का प्राइस लिस्ट आपको दिखा दे रहे हैं, ये रहा
800 ग्राम खोवा और 200 ग्राम चीनी का 400 रुपया, 700 ग्राम खोवा और 300 ग्राम चीनी का 370 रुपया। सो ये यहाँ पे रेट 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ फ्लक्चुएट होता है। ये देख लो आप, तो अभी आपको देवघर का नाइट टूर करवा रहे हैं। तो ये रहा एक दुकान है, भैया का ही परिचय का दुकान है, तो आप यहाँ से भी पेड़ा ले सकते हैं। पेड़ा दुकान का नाम है स्वामी जगदानंद पेड़ा भंडार। सो ये भैया का भी दुकान है, आप यहाँ से भी पेड़ा ले सकते हैं, भैया यहाँ पे रहेंगे। सो अभी आप लोग को लेकर चलते हैं शिव गंगा की ओर। जो शिव गंगा का जो तालाब है वो डायरेक्ट आपको देवघर के रास्ते की ओर, मतलब दरवाजा सिंह दरवाजा की ओर जोड़ता है, जहाँ पे लोग आने से पहले जो अपनी दूरी तय करके आते हैं 105 किलोमीटर 110 किलोमीटर, सो उसके बाद यहाँ पे अपना कांवर का संकल्प करवाते हैं और नहाते हैं, उसके बाद यहाँ से पूजा करने जाते हैं। तो ये रहा कुछ शिव गंगा का नज़ारा। सो आप देख सकते हैं रात को कैसा दिख रहा, तो मैं आपको सुबह भी दिखाऊंगा इसका व्यू। सो ये रहे कुछ पंडित जी लोग, कुछ श्रद्धालु अपने आराम कर रहे, थके हुए हैं। सो ये रहे सारे कांवरिया सब अपना आ रहे हैं। ये देखो अभी भी लोग आ रहे हैं पैदल सुल्तानगंज से जल उठा करके। अब यहाँ पे लोग आराम करेंगे थोड़ा देर, जल वल संकल्प करवाने के बाद फिर वो जाएंगे पूजा करने के लिए। सो अभी क्या है कि इस बार सावन में उतना ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि वो मलमास के चक्कर में 15 दिन इधर 15 दिन उधर होने की वजह से सो भीड़ काफी उतना है नहीं, और सिक्योरिटी पूरा टाइट है। तो आपको सिक्योरिटी के मामले में देवघर में भी करीब 15 से 20 हज़ार पुलिस फोर्स आ चुके हैं। सो ये रहा कुछ नाइट व्यू का, आपको दिखा दे रहे गाइस जल्दी। सो ये रहा गाइस मेन लैंडमार्क देवघर का टावर चौक, आप देख सकते हो ये टावर चौक है। सो कभी भी आप स्टेशन से और देवघर आना है तो आप किसी को भी पूछो टावर चौक जाना है, तो टावर चौक से आपको यहाँ पे सारा चारों दिशा का रूट मिल जाता है, कहाँ जाना है नहीं जाना है। तो ये रहा, तो आशा करता हूँ गाइस वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आप जब भी कभी प्लान कर रहे हो देवघर आने का तो आप आ सकते हो, अभी भीड़ वैसा है नहीं। तो मिलते हैं गाइस नए एपिसोड में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।